बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज कहाँ जा रहे हैं हम? दादू के दर। शादी यानी कि हम अपने ससुराल जा रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है, शाम के बजने वाले हैं, 6:30 बज गए हैं और हम लोगों की ट्रेन है 9 बजे के करीब है। सो हम लोग निकलते हैं और मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, सारा सामान रख गया है, मैं बिल्कुल रेडी भी हो गई हूँ, ये मेरा बैग भी रेडी हो गया है एंड कुछ कपड़े रखे थे तो उनको ढक के रख दिया है। मैंने अभी खाना भी बना लिया है, मतलब पैसे के लिए टिफ़िन पैक कर लिया है। इसमें रखी हुई है टिफ़िन में आलू के पराठे एंड अचार रख लिया है और ये कुछ फ्रूट हैं जो रास्ते के लिए हो जाएंगे। सो सारी तैयारी हो गई है, बैग रेडी, बस हमें निकलना है। सो फटाक से निकलते हैं क्योंकि हम लोगों ने कैब बुक कर दी है, कैब के आने का वेट कर रहे हैं। तो इस बार हम दिवाली मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट करेंगे और इस बार ना लिपस्टिक का मैं न्यू सेट लेके आई, तो आज मैंने वही लगाया है, अच्छा लग रहा है। आज ना हम दिवाली मेरे दादू के दल और हमारी मम्मा, देखो कैसी सजी हुई है, ऐसी सजी हुई, चली चलो देखो ऐसी सजी हुई है। सजी हुई है, बस सिंपल का सूट पहना है मम्मा ने। सिंपल का सूट पहना पापा, ऐसे सजे, बोलो हाय। बोला था ना भी हाय। रंगोली मैंने बना दी है दरवाजे पे, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। एक ये बनाई हुई है, एक ये बनाई हुई है गणेश जी। सबको मिला देता हूँ एक बार इन करने पापा। हैप्पी 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 हाँ हैप्पी। हमारे पापा भी बाय बोलेंगे, बाय बाय। अब आपको आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट में जरूर करें। निकल पड़े हैं हम घर के लिए और आज है धनतेरस, हम धनतेरस वाले दिन जा रहे हैं घर। अभी ऑटो पकड़ के हम लोग आ गए मेट्रो स्टेशन, मेट्रो का वेट कर रहे हैं, इसके बाद जाएंगे हम स्टेशन, तो वहाँ से पकड़ेंगे हम अपनी ट्रेन। से देखो मेट्रो आने का वेट कर रहे हैं हम लोग बड़ी मुश्किल से, मतलब हमने वो कौन सा ई रिक्शा बोलते हैं, ई रिक्शा को पकड़ा तो उसके आधे रास्ते तक हम लोग आ पाए, उसकी बैटरी डाउन हो गई, फिर उसके बाद हम लोग ऑटो नहीं मिला, तो जैसे तैसे शेयरिंग में फिर हमको ऑटो मिला, तब जाके हम मेट्रो स्टेशन पहुँच पाए। बट कोई नहीं, अब चलते हैं मेट्रो को वेट कर रहे हैं। आ गई मेट्रो साइड वाली है। अभी हम लोग आ गए स्टेशन पे और सामने हमारी ट्रेन भी आ गई थोड़ी देर वेट करने के बाद, तमिलनाडु। और भीड़ इतनी 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 ज़्यादा हो रही है ना कि इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने इससे पहले कभी। ट्रेन आ गई है देखो, लग रही है अब हम लोग भी बैठते हैं। कर रहे हो चिली निकाल रहे हो? खा लो, थोड़ा सा टेस्ट मिलेगा चिली से। ट्रेन हमारी चल रही है निजामुद्दीन से भी आगे निकल गई है और बाहर अंधेरा छाया हुआ है। सुबह पहुंच जाएंगे हम लोग कितने बजे? 8 बजे। आदमी 9 बजे। ये देखो पहाड़ के ऊपर हम चढ़ गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम लोग पहुंच गए हैं भोपाल। रुदांश कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहे? मैं बोल रहा था मैं याद हूँ सोई नहीं। इस वाली जो ट्रेन में जहाँ पे हमारा रिजर्वेशन है ना, जिस सीट पे, इसकी सीट इतनी ज़्यादा छोटी है ना कि बस एक ही इंसान लेट सकता है, मतलब अगर करवट ही ले सकता है, अगर किसी को अच्छे से सोना हो ना, अच्छे से लेटना हो तो नहीं लेट सकता है वो। तो रुदांश चला गया था ऊपर अपने पापा के साथ सो रहा था और दोनों की नींद नहीं हो पाई, सो नहीं रहा था, जगा था रात भर। ओके, जगा हुआ था तो ना ये दोनों तो सो नहीं पाए, इनका थोड़ा सा मैं भी दर्द हो गया है, नींद नहीं मिली उसके वजह से। और मैं भी सो रही थी अकेले नीचे सो रही थी, एक्चुअली यहाँ पे मुझे डर भी लग रहा था कि नीचे गिरने का, तो मैं भी अच्छे से सोई नहीं हूँ। बट सीट इसकी काफ़ी छोटी हो रखी है। अपन कौन से डिब्बे में करवाया? थर्ड एसी इकोनॉमी। हाँ, थर्ड एसी इकोनॉमी में करवाया था हम लोगों ने। इसकी सीट बहुत छोटी होती है, अगर बच्चे अच्छे के साथ हो ना तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, सीट छोटी रहती है ना, इसलिए। हम लोग पहुंच गए हैं भोपाल, बस हमें भोपाल से 2 और घंटे लगेंगे बस घर के लिए। आज मैं सोया ही नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आएगी। क्यों? घर पे सुनूंगा ट्राई करके। अच्छा, हर बात वो परेशानी कर रहा। क्यों? दादू की याद आ रही थी कि दादू से मिलने की खुशी में आपको नींद नहीं आई, दादू और चाचू से? चाचू तो बहुत वेट कर रहे होंगे आपका बेसब्री से। मुझे तो चाचू से, मैं चाचू से बात ही नहीं कर पाता,
क्यों? दादू तो मुझे काटता। हाँ, घर से निकले थे हम 7 बजे निकले थे और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। घर से 7 बजे निकले थे अभी? रात में 7 बजे निकले थे, अभी मॉर्निंग के 7 बज रहा है। 4-7, 2-7 भूख तो लगी है बट ब्रश नहीं किया ना तो मन भी नहीं हो रहा खाने का। अब मम्मी ने बनाया होगा, हम घर जाके ही खाएंगे। ये भोपाल जंक्शन है, अब आएगा हबीबगंज। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए ट्रेन वाली कैसी है, टेस्टी है? ये देखो दोनों की कितनी मस्ती चल रही है। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं होशंगाबाद, तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद नर्मदा जी आएंगी, अभी मैं दिखाने वाली हूँ। सो ये देखिए नर्मदा जी जा रही है। बाबू जय करो बेटू। हाँ, यहाँ पे हमने आपका मुंडन करवाया था, बाल कटवाए थे हमने घाट पे। अभी हम लोग होशंगाबाद तो पहुंच ही गए हैं, ये निकाल रहे हैं सामान। सुबह हमारा नेक्स्ट स्टॉप आ गया है और हम उतरेंगे अब। पहुंच गए टारसी जंक्शन। ये खड़ी है हमारी ट्रेन जिससे हम आए हैं, तमिलनाडु एक्सप्रेस। रुद्रांश बैग लिए हुए और ये जा रहे हैं। सो हम लोग पहुंच गए हैं इटारसी जंक्शन। चलो ऐसे चलो।